टीवी बाय कर रही हैं आपको, है ना। चलो, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पीयू स्कूल जा चुकी है और मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। पूजा भी मैंने कर लिया है और खाने वाली आंटी ने उपमा बनाया है। चलो गर्म करते हैं, आप सबको देखते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में एंड ब्रेकफास्ट में आज बना है उपमा। तो यहाँ पे मैं वही गरम कर रही हूँ क्योंकि ठंडा हो गया है। वो 8:30 बजे बना के चली जाती हैं एंड सब लोग नाश्ता 9:15 बजे के आसपास ही करते हैं। तो चाय मैंने चढ़ा दी है बनने के लिए। मम्मी भी नहा के आ गई हैं, अभी उनको पूजा वगैरह करनी है और बस फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। कल आप लोग के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बाकी यहाँ पे मम्मी मेरे से कुछ कह रही थी, बात कर रही थी। और आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना है डॉक्टर को दिखाने के लिए, डॉक्टर विजिट है एक्चुअली। तो देखते हैं आज डॉक्टर क्या बोलती हैं। और यहाँ पे मैं अदरक डाल रही हूँ चाय में, बहुत थोड़ी सी ही डाल रही हूँ क्योंकि मौसम भी गर्म है, गर्मी हो रही है। तो चाय मैंने चढ़ा दी है बनने के लिए एंड यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े थे थोड़े से, तो मैंने सोचा चलो इसको मशीन लगा देते हैं, चल जाएगी। तो वही ऊपर नीचे कर रही हूँ जिससे अच्छे से सारे कपड़े जो हैं वो वॉश हो जाएं एंड इसका वाटर लेवल भी थोड़ा बढ़ा रही हूँ। तो लीजिए, यहाँ पे हमारे कपड़े भी धुल गए हैं, नाश्ता वगैरह सबका हो गया है और यहाँ पे बस मैं कपड़ों को फैला रही हूँ जिससे कि सूख जाएं, क्योंकि बारिश हो जाती है ना कभी भी। तो पता नहीं, अभी तो वैसे 2 दिन से बारिश हो नहीं रही थी, तो यहाँ पे कपड़े जो हैं वो अच्छे से सूख जाएंगे। वरना मुंबई में तो आप जानते ही हैं, कपड़ों को सुखाना फैलाना बड़ा मुश्किल है। कभी इधर रखो, कभी बारिश आ गई फिर हटाओ, ये कार्यक्रम तो यहाँ पे चलता ही रहता है। एनीवेज, तो मैं यहाँ पे कपड़ों को फैला दूँगी। यही पहन के चलती हूँ बस, ये पहन के मत चलो, चेंज करो। ओके गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ एंड मैंने ये वाला सूट पहना है आज। जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ, तैयार हो गए हैं। और मैंने ये अपना बैग जो है वो निकाल करके रख लिया है, इसको मैं गाड़ी में डाल देती हूँ जिससे कि रखा रहेगा गाड़ी पर ही पहले से ही। और भारती दीदी क्लीनिंग कर रही हैं, पीहू आ जाएगी जल्दी, मैंने उसके कपड़े वगैरह सब निकाल के रख दिए हैं, फ्रूट्स रख दिए हैं, वो आएगी खाएगी। चलो ओके पापा जी, आते हैं फिर। थैंक यू। हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ दिखाने, जा रहे हैं और क्या पता नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अभी। जाते हैं, देखते हैं क्या होता है आज, क्या बोलती है डॉक्टर।
तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे हॉस्पिटल एंड यहाँ पे कुछ पेपर वर्क जो होता है वो सब यहाँ पे ये करा रहे हैं। कौन सा नंबर है हमारा? पहला नंबर। पहला? अभी तो हमें वेट करना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, मैडम गई है राउंड पे? नहीं, आ चुकी हैं, अभी बस बुलाने वाले हैं। अच्छा, तो हमारा फर्स्ट नंबर है, हो सकता है कि जल्दी काम हो जाए, आज जल्दी हो जाए, पीयू आने वाली है ना। तो यहाँ पे बिल वगैरह सब कट करवाया जा रहा है एंड यहाँ पे फिर मेरा सबसे पहले वेट हुआ, फिर बीपी हुआ, ये सब चेक करने के बाद डॉक्टर आ गई थी। अब वो चेक करेंगी और फिर बताएंगी कि क्या करना है हमें आगे। बीपी और वेट चेक हो गया है। ये सही है अपना, आराम से सो जाओ। आराम? आराम तो नहीं है। तो यहाँ पे मेरा 20 से 25 मिनट तक एनएसटी वाला टेस्ट जो है वो चलता रहा और फिर उसमें बेबी की मूवमेंट एंड हार्ट बीट वगैरह देखते रहे। तो अभी रिपोर्ट जो है वो तुरंत मिल जाती है, सब कुछ ठीक है, बेबी की मूवमेंट जो है वो ठीक है। डॉक्टरों को दिखा लिया गया है और क्या बोला आज डॉक्टर ने, क्या करने का है? डॉक्टर ने बोला भाई वेट करो, वेट करो। अभी तक वो बोल रहे चांस। हाँ, अभी तक वो बोल रहे थे कि बोल रही थी कि हम पेन इंड्यूस करेंगे 2-3 दिन में, बट अभी आज मैडम ने इंटरनल चेकअप किया और एक एनएसटी किया, जिससे वो सब देख करके उन्होंने बोला है कि अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे 10 दिन का और फिर उसके बाद। अभी सब ठीक है, तो फ्लूइड कमी है, वो कमी है, बट अगर इस बीच में आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है या कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत आकर के बताओ, ऐसा है। और अभी एक 9 तारीख का एक अल्ट्रासाउंड बोला है, वो कराना है और फिर मैम को 11 को दिखाना है, मतलब 2 दिन बाद उनको हमें दिखाना है, उसके बाद ही हम कोई नेक्स्ट स्टेप लेंगे, क्या करना है वो मैम बताएंगी। चलो अभी घर चलते हैं, पीयू घर आ चुकी है। तो यहाँ पे हम अपने घर वापस आ चुके हैं और हॉस्पिटल जाने का मतलब है एटलीस्ट आपको 3 से 4 घंटे तो लगने ही लगने हैं, चाहे जितना छोटा काम हो या बड़ा काम हो। तो आज तो सिर्फ डॉक्टर विजिट था, जल्दी से काम हो गया है। ओके गाइस, तो आप देख रहे हैं पसीना कितना है। एक्चुअली मुझे एक वीडियो शूट करना था जो कि मैंने अभी कर लिया है। फ़ैन ऑन कर देती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मुझे एक वीडियो शूट करना था, वो सब काम मैंने कर लिया है और अभी यहाँ पे सब लोग बैठ करके शाम की चाय पी रहे हैं। बाकी डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो
तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, अपनी चाय जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, साथ में फैमिली टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। ये टाइम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है जब आप अपने परिवार के साथ बैठ करके बातें करते हुए चाय पीते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ये टाइम आप लोग को कैसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग मिल करके इस तरह से बैठ के चाय वगैरह पीते हैं और बातें करते हैं, तो सच में दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पर वही सब बातें मैं बता रही हूँ, डॉक्टर ने ये बोला, ऐसे बोला, ये हुआ, ये किया, तो वही सब बातें यहाँ पे चल रही हैं। उसके बाद खाना वगैरह रात में हो गया था, फिर यहाँ मेरी अचानक से तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बीपी मेरा बहुत लो मुझे फ़ील हो रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है मुझे। तो अचानक एक्चुअली हुआ क्या था कि वाटर बैग जो है वो घर आ करके लीक हो गया था, तो मुझे इस समय बिल्कुल भी ठीक फील नहीं हो रहा था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। यदि हमें कभी भी कमजोरी सी महसूस हो रही है, लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो लो ब्लड प्रेशर में हमें क्या करना चाहिए, तुरंत अपनी उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक किया और ऐसे, इससे शरीर के अंदर 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त हो जाती है और लो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। अच्छा। जबकि इसके विपरीत यदि कभी माथे में दर्द हो या दिल घबराने लगे या ठंडा पसीना आ जाए कुछ भी, तो उसके लिए हम इस उंगली को ऐसे करेंगे, ये तो बन गई वायु मुद्रा, तो इस फिंगर को, दोनों फिंगर को इस अंगूठे के साथ ऐसे लगाते हैं, ये बन जाती है प्राण अपान वायु मुद्रा। Within 5 minutes instant result होता है इसका और इससे मिलती है, ये है अपान वायु मुद्रा, इससे हमारा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। अच्छा। और दिल घबराना बंद हो जाएगा और 15-15 मिनट सुबह शाम करने से दिल की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अरे वाह, सही है। हाँ जी भाई।